समाजवादी पार्टी ने एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव का दबे मन से स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर आरजीआई एवं आईएमएसटी आयोग में से संस्तुति कराकर लोकसभा एवं राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 342 का संशोधन कराकर आदेश जारी कराने का कार्य करे, तभी 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने कहा कि 2016 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था, लेकिन कोर्ट को आधार मानकर केंद्र सरकार ने उसे जारी नहीं किया था और अब उसी प्रस्ताव को भाजपा सरकार जारी कर रही है, जो राजनीतिक लाभ पाने का एक तरीका है। लेकिन सपा नेता ये भूल गए कि वे अपनी ही पूर्व सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये प्रस्ताव पास नहीं करा पाए, जो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा नेता राम भुवाल निषाद ने कहा, पिछड़ी जाति में जो 17 जातियों अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट से आदेश हुआ है, उसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ऊपर सारा श्रेय ले रही है, तो हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिसको उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सब अस्वीकार कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर कुछ संस्था के लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का निर्देश हुआ है, वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए एक आदेश जारी किया है, जो सही नहीं, जैसे गुमराह करने की बात है। श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है और काम कुछ नहीं की है। इस चीज़ को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन 17 जातियों के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक रहती तो जैसे सवर्ण आरक्षण 10 दिन में ही इसको पास कराकर कानूनी अधिकार दे दिया, उसी तरह से हम लोगों की मांग है कि उस तरह से ही काम करें, न कि ये तरह दिखावा की बात भारतीय जनता पार्टी करे। अगर ऐसा करेगी तो ये लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए, फिर आने वाले समय में इसके लिए फिर संघर्ष होगा, फिर कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। और नहीं तो हमारे नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है उसी का परिणाम है, आज कोर्ट ने उस पर अपना संस्तुति दिया है, उसको सही साबित किया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रस्ताव भेजा था वो सही था।